स्मृति ईरानी जी से पूछिए, आज मोदी जी के यहाँ नहीं जाएंगे सवाल करने। आज योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ है? उन जो आरोपी हैं बनारस के, उन बहन बेटियों के, आखिर उनके घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो आज कहाँ है गृह मंत्री? जवाब दे अमित शाह, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मालदीप और लक्षद्वीप जाके फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मोदी जी जाएंगे तब श्रीनगर जाएंगे, मतलब देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का करेंगे तब हम राम मंदिर जाएंगे। ये तो केवल भ्रमित किया गया है, धर्म के नाम पे देश को बेचा गया है। देश के प्रधानमंत्री जी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप बनाइए ना, देश की जनता को क्यों व्यापार में गर्द में झोंकना चाहते हैं? धर्म का धंधा एक ऐसा है जो सबको अंधा कर देता है। जनता को इन्होंने धर्म की आड़ में तमाम वो धंधे करने का काम किए, जो धंधा कर रहे हैं लोग इनको वोट ना दे। ये सिर्फ और सिर्फ धंधकारी है, व्यापारी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसी लूट तंत्र सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन होने वाला है, क्योंकि जो बिल्किस बानो के केस में जो 11 आरोपी थे उनकी जो रिहाई है वो रद्द कर दी गई है। और इसी चीज़ पे, इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण पांडे जी। सर, क्या कहेंगे, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन होने वाला है? देखिए, खुशी का दिन होने वाला तो है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से। हम हमेशा उस वक्त भी जब उनकी रिहाई होती तो भी हमने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया था, आज भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट का ताला कहाँ है और क्यों लग गया है? जब उसी उत्तर प्रदेश की धरा से देश के प्रधानमंत्री, बनारस संसदीय क्षेत्र से उनको जनता वहाँ की सांसद चुनने का काम करती है, उसी बनारस में आज कितने दिन हो चुके हैं, एक हमारी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ रेप किया गया और उनके जो नेता हैं वो बीजेपी के सम्मिलित हैं, आखिर उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया? बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है वाकई में, मैं कहता हूँ, हमारे देश के किसी भी बहन बेटी के साथ या हमारे परिवार के साथ अगर ऐसा होता और मैं ऐसे दर दर भटक के न्याय मांगना पड़ता तो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पर सवाल था, देश के सरकार पर सवाल था। इस सरकार ने चिन्हित करके लोगों को न्याय और लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, ये उत्तर प्रदेश गए थे, इन्होंने कहा था कि हमारी बहन बेटियां सोने का गहना पहन के जाएं तो भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, तो आज कहां हैं गृह मंत्री? जवाब दे अमित शाह, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? इन्होंने वोट बैंक के लिए उन आरोपियों को रिहाई कराई और उसके बाद अब दोबारा उनको जेल की सलाखों पे। आप गुजरात की सरकार में आ गए, आपने देखा होगा, मैं जात की राजनीति ना धर्म की राजनीति कभी नहीं करता हूँ, देश में न्याय की राजनीति करता हूँ, चाहे वो हमारी बहन बेटी हो चाहे आप हो। क्या वाकई में इन्होंने उन बहन बेटी को उसको न्याय दिया? आप सत्ता में आ गए, गुजरात में आपकी सरकार है, जेल की सलाखों के पीछे जो बीजेपी के नेता होते हैं उनको किस तरीके से रखा जाता है, ये आप कभी गई देखने? नहीं गई देखने, ना उन तक खबर पहुंच पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों की पार्टी है, ऐसी पार्टी जो देश में न्याय की आवाज़ नहीं उठा पाती। स्मृति ईरानी जी से पूछिए, आज मोदी जी के यहाँ नहीं जाएंगे सवाल करने। जब देश की बहन बेटियाँ आंदोलनरत थीं, चाहे वो पहलवान की बेटी, उन्होंने सबसे पहले कांस्य पदक, देश के तिरंगे का मान सबसे पहले बढ़ाने का काम किया था, उन बहन बेटियों के ऊपर बूट से रौंदा गया इसकी जंतर मंतर पे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो झूठ तक नहीं रहेंगी। तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसमें भाजपा सरकार हर ये जो महिला सुरक्षा के वादे करती है, वहीं गैंग रेप के मामले में महिला भाजपा सरकार से सब जुड़े हुए होते हैं, तो जनता इन्हें हटा क्यों नहीं देती है? देखिए, जनता, बिल्कुल आपका बहुत सही सवाल है, जनता क्योंकि भ्रमित है। जनता को इन्होंने धर्म की आड़ में तमाम वो धंधे करने का काम किए, चाहे धर्म के नाम पे नमामि गंगे को लूटने का काम किया गया हो, चाहे श्री राम मंदिर के ट्रस्ट का जो पैसा है, जो जमीन है उसको बेचने का काम किया गया हो, पूंजीपतियों के हाथ में करने का काम किया गया हो। धर्म का धंधा एक ऐसा है जो सबको अंधा कर देता है। लेकिन देश की जनता, आने वाला 2024 का चुनाव है, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने कहा था महिलाओं पर अत्याचार कम होगा, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, NCERB का डेटा उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं के अत्याचार हो रहा है।
आज योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ है? उन जो आरोपी हैं बनारस के, उन बहन बेटियों के, आखिर उनके घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो भाजपा के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भाष मजहब देख के और धर्म देख के राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता जब वोट करती है तो तमाम उन मुद्दों को देख के वोट करती है। अब की बार लड़ाई इस न्याय की है, और आपने देखा होगा मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मालदीप और लक्षद्वीप जाके फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ये देश के फोटो। लेकिन उनके लक्षद्वीप जाने से जो टूरिज्म है वो काफी बड़ा है, अब लोग लक्षद्वीप जाने की ज्यादा इच्छा रखते हैं। अंधभक्त जा रहे होंगे, क्यों हम लक्षद्वीप नहीं जाते हैं? हम कश्मीर नहीं गए, हम श्रीनगर नहीं गए, मोदी जी जाएंगे तब श्रीनगर जाएंगे। मतलब देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का करेंगे तब हम राम मंदिर जाएंगे। ये तो केवल भ्रमित किया गया है, धर्म के नाम पे देश को बेचा गया है। ये धर्म कोई अनुनायी नहीं है। सनातन धर्म की पद्धति क्या कहती है? भगवान सिद्धांत, भगवान श्री राम के सिद्धांतों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करने का काम किया है। वो भगवान श्री राम जो 14 वर्ष का वनवास चले गए, माता सीता का हरण हो गया, लेकिन वो दोबारा बिना अपनी अर्धांगनी के उन्होंने दोबारा अयोध्या की राजगद्दी को नहीं उन्होंने पाने का काम किया। अगर राम मंदिर की बात करी जाए तो एक एंकर है गुल्लू, जिनको बुलाते हैं सब लोग, उन्होंने कहा है कि अगर बीमार होते हैं तो राम मंदिर जाइए, अस्पताल जाने की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं देखिए, आस्था अलग चीज है और बीमारियां अलग चीज है। बिल्कुल आपका सवाल, क्योंकि इस देश में कई विचारधाराएं हैं, बहुत लोग ऐसे ऐसे सवालों को वो करते हैं। देखिए, हम चाहे किसी की बात करें, सनातन जो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य हैं, आखिर उन्हीं से प्रेरित जो 4 मठों के हों, उनको न्योता तो दिया गया, लेकिन वो राम मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हैं? आज पूजा कौन कराता है? जो उन्होंने कहा कि सनातन की पद्धति को कौन समझता है, सनातन की पद्धति को पूरा देश जानता है। हिंदू के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करने का काम किया है। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी का ये इवेंट है, ये इवेंट में उन्हीं लोगों को बुलाना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो सके 2024 में। क्या देश का आम जनमानस, अयोध्या के तमाम ऐसे संत हैं जिनको इन्होंने आमंत्रण पत्र नहीं देने का काम किया? ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे एक धंधा चलाया जा रहा है। और जो लोग उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूँ उनके अपने विचार हैं, लेकिन हमारे अपने विचार हैं। इस देश में भारत एक तमाम उन विविधताओं का देश कहा जाता है, चाहे चर्च की बात करें, चाहे मस्जिद की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, चाहे सिख और गुरुद्वारों की बात करें, सबकी अपनी अपनी आस्था है। इसका मतलब मैं चाहता हूँ अगर मंदिर से नहीं बन सकता है, अगर मंदिर जाने से बीमारी हमारी नहीं खत्म हो सकती है, तो तमाम धर्म के तमाम सिख और गुरुद्वारे हैं। लेकिन इसका फैसला कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, वो देश का चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का, अगर वहाँ मस्जिद भी बन रही होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा इवेंट तैयार किया है। अभी राम मंदिर 2 साल लगेंगे पूर्ण रूप से तैयार होने में, लेकिन अगर वहाँ नींव रख दी गई तो वो वोट बैंक लिया जा रहा है। इसलिए देश की जनता बेटी बहन के न्याय के लिए आवाज उठाए, किसानों के नाम पे वोट दे, युवाओं के नाम पे वोट दे, ये जो धंधा कर रहे हैं लोग इनको वोट ना दे, ये सिर्फ और सिर्फ धंधकारी हैं, व्यापारी हैं, और देश की जनता को द्वंद में रख के अपनी सत्ता पे दोबारा काबिज होना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो धर्म के नाम पे वोट ले रही है, लेकिन उनका एजेंडा तो क्लियर ही था ना, उनका विजन क्लियर था कि हम आएंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राम राज्य ही स्थापित करेंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप जब इस देश में तमाम ऐसे विविधताओं के लोग हैं, सभी लोग हैं इस देश में। भारत ऐसा एक ही देश है जहाँ पे सभी लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, और किसी कंट्री में जाएंगे वहाँ सभी समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे, जो होंगे। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र आपने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन क्या देश में हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दे पाए आप? क्या देश में हिंदू बहन बेटियों को न्याय दे पाए आप? चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे देश में राष्ट्रपति की बात करें, सभी लोग हिंदू हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र 10 साल से ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? अगर आप में देश के प्रधानमंत्री जी को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप बनाइए ना, देश की जनता को क्यों व्यापार में गर्द में झोंकना चाहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
पूंजीपतियों को देश के जितने सरकारी संसाधन हैं उनको देना चाहते हैं ताकि वही देश चलाएं। आज गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई हो गई है कि कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता है अपने जीवन यापन करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति के रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी के 75 साल में अब इस सरकार का कहीं ना कहीं 10 साल का शासन देश की जनता ने समझा है और इनको अब की बार 24 में सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। आप बताइए, आप भी योग्य हैं? आपके हाथ में क्यों नहीं है वो आज तक वो ABPP? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आज उन चाटुकार पत्रकारों से हट के आप एक इस देश की जनता की आवाज आप बन के इस देश के लिए खड़ी हैं, लेकिन आज उन्हीं को बैठाया जा रहा है। मैंने तो एक खबर देखी आजकल न्यूज एंकर, वो भी राम मंदिर के नाम पे वो भी अपना बयान दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बयान नहीं दे रहे, ये जो मोदी जी कह रहे हैं वही पत्रकारों के जरिए कहा जा रहा है। तो इसलिए आप जैसे पत्रकारों को सलूट है हमारा कि आप लोग इस देश की न्याय की आवाज़ में अपना योगदान दे रहे हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जैसे पत्रकारों के लिए भी हम लड़ाई लड़े हैं और देश के किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, सबकी लड़ाई लड़े हैं। मतलब जनता अब जाग गई है, उन्हें पता चल गया है क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल, जनता जाग गई है। मैं कहता हूँ योग्यता के अनुसार नौकरियाँ होती अगर इस देश में, मैं भी MBA किया हुआ हूँ, लेकिन आज वाकई में आप तमाम सेक्टर पे चले जाइए, चाहे FMCG सेक्टर की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, कहीं पे रोजगार नहीं है। CMI की रिपोर्ट कहती है कि आज अर्बन की बात करें, रूरल की बात करें, सभी जगह युवा भटक रहे हैं। मोदी जी अग्निवीर योजना लाए, लेकिन क्या उस अग्निवीर योजना से क्या मिला? केवल युवाओं को शहादत मिली है? ये सरकार कहीं ना कहीं कुछ भी करा सकती है अपने फायदे के लिए। इसलिए हम सबको एक साथ होकर और इस लड़ाई को लड़ना है। हमारे नेता मणिपुर से और मुंबई तक एक न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसके जरिए इस देश में देश के सबको न्याय मिलेगा। सबके मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं। हमारी ये लड़ाई है और 2024 की बात करें तो हम विचारधारा की लड़ाई, गांधीवादी विचारधारा के साथ हम लड़ रहे हैं। RSS को इस देश से ख़त्म करने का काम करेंगे और इस देश में एक नई राजनीति का उद्गम होगा जो गांधीवादी विचारधारा, उसके साथ हम चलने का काम करेंगे और लोगों को ये जन जन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जो इस देश में TV मीडिया नहीं पहुंचा रही है, हम लोगों के बीच जाके अपनी बात को बता रहे हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसी लूटतंत्र सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए और देश में जनता की आवाज, जनता की सरकार, जनता के लिए चुनी हुई सरकार आनी चाहिए और हम लगातार प्रयासरत हैं और जनता समझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि ये जो जनता को लूटने वाली सरकार है हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। एक न्याय यात्रा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम चीज़ें, सभी चीज़ों पर बात करी है इन्होंने। आप इनकी इनकी बात से सहमत है कि नहीं?